मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ नहा करके। बस मुझे अभी नीचे जाना है और देखते हैं क्या खाना बनाना है। तो वैसे भी सुबह है ना, यहाँ कुछ हल्का फुल्का ही बनता है, मतलब सिंपल सी कोई सब्जी और रोटी, तो यही बनता है। बहुत रेयर होता है कि सुबह कुछ हैवी टाइप का खाना बने या फिर कोई मतलब ना बहुत ऑयली टाइप का, डीप फ्राइड टाइप का बने। वो तो कभी कभार फेस्टिवल में ही बनता है, शाम को बन जाता है। शाम को आप कितना भी बना कर खिला दो मतलब फालतू वाली चीज़ टाइप, लेकिन सुबह सिंपल सब्जी और रोटी चाहिए होती, क्योंकि पापा नहीं खाते ना बहुत ज़्यादा वैसे टाइप का, तो इस वजह से फिर सुबह सब्जी रोटी ही बनाना पड़ता है। और हाँ, पूड़ियाँ बहुत पसंद है पापा को, तो पूड़ी तो आप मतलब दोनों टाइम दो बना कर के तो खाते हैं। तो चलो अभी मैं नीचे चलती हूँ। और आज ना इतना अच्छा वेदर हो रखा है, जोरों की बारिश हो रही है। सुबह सुबह मैं सोकर उठी ना और मैंने देखा, वैसे भी आज मुझे लेट हो गई, पता नहीं क्यों, खिड़की में उजाला आया ही नहीं। बारिश वाला मौसम था तो ज़्यादा उजाला आया नहीं और मैं सोती रह गई। देखी जब 6 के ऊपर था टाइम, तब मैं उठी, तो फिर जल्दी जल्दी गई नहाई। और बाहर अभी आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बारिश भी अच्छी होती है, हाँ बारिश तो अच्छी होती है, सबको अच्छी लगती है। तो चलो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पता नहीं क्यों रात में मुझे ना थोड़ा सा ठंडी टाइप की लग गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी पंखा भी बंद कर दिया, एसी भी बंद कर दिया, पर गला मुझे मेरा भारी भारी सा लग रहा है। देखो मैं नीचे आ गई, खाना बनाने लग गई, तो मैं आप लोग को बारिश नहीं दिखा पाई। तो ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी आप लोग बारिश देख ही रहे हो, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही, तो मैं नहीं भी दिखाऊंगी तब भी चलेगा। तो बस अभी मैं खाना बना लेती हूँ, इसके बाद फिर आप लोग से बात करूँगी। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, मतलब 5 बजने वाला है। तो मैं मतलब सुबह थोड़ा सा वीडियो अपना स्टार्ट करी, इसके बाद पूरा दिन गायब रही, क्योंकि मेरे साथ एक कांड हो गया था इसलिए। तो मैं देखो हाथ में दोनों उंगलियों में जल गई हूँ, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा ना हल्का वाइट वाइट, तो मैंने एकदम गरम गरम चिमटा छू लिया है, ये देखो। ये मेरी ना उंगली भी मुझे पूरी टाइट टाइट सी लग रही है, आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये देखो, ये एक मिनट, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा। तो मैंने ना मतलब रोटी सेंकी और पापा को टिफ़िन देना था, तो मैंने सोचा, चाची ने बोला कि रोटियों को ना चिमटे के ऊपर एक 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 फैला कर रख दो तीनों रोटियों को, तो जल्दी से ठंडी हो जाएंगी, तो फिर टिफ़िन में भर देंगे। मैंने फैला तो दिया चिमटे के ऊपर, और जस्ट मैंने सेक की चिमटा रखा ही था, फैला दिया, और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा खिसका देती हूँ चिमटे को आगे की तरफ, और सबसे आगे वाले पोर्शन को ही मैंने पकड़ के खिसकाने की कोशिश करी। दोनों मेरी उंगलियों की जो मरम्मत हुई, इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल था ना उस टाइम पे, कि मेरे आँख से ऑटोमेटिक आंसू निकल रहे थे। मैं रोना नहीं चाह रही थी, लेकिन आंसू निकल रहे थे मेरे आँख से, और बहुत वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन ना कई बार होते हैं ना आप ऐसे जलते हो, ये देखो मेरी ये वाली उंगली मुझे बहुत यहाँ से टाइट टाइट सी लग रही है, और इसमें तो ये देखो वाइट वाइट दिख भी रहा है। तो इस वजह से मेरा बहुत देर तक, कम से कम 2-3-4 घंटे तक ये जला है, अजीब सी जलन हो रही थी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा जल रहा था, फिर धीरे 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 कम हुआ है, और अभी मतलब ठीक है, अब जल नहीं रहा है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल नहीं जल रहा है। लेकिन
तो इसलिए फिर मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया। पहले तो मैं 2-3-4 घंटे इसी के शोक में डूबी रही, फिर इसके बाद खाना वाना खाया और सो गई। मैंने थोड़े बहुत कमेंट का रिप्लाई किया और मैं सो गई। जस्ट अभी उठी हूँ सो करके आधे घंटे पहले। अब जा रही हूँ नीचे, आज बनाना है मुझे मूंग दाल के लड्डू। ये मैं बैठी हूँ क्योंकि कढ़ाई देखो गर्म हो रही है और घी मैंने डाल दिया है। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को लखनऊ में दिखा चुकी हूँ जब मैंने बनाया हुआ था, तो सेम तरीके से ही बनाऊँगी इसलिए नहीं दिखाऊँगी। अगर कुछ चाशनी वाली बनाती तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती, तो कभी चाशनी वाली भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो शक्कर की चाशनी बना करके हलवा लड्डू बनाया जाता है। तो अगर वैसी वाली बनाऊँगी तो कभी फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखो सबसे अच्छी चीज़ ये सामने लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, वरना गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है बट पंखा लगा हुआ है तो एक भी दिक्कत नहीं हो रही। बहुत मज़ा आ रही लग रहा है ना, आराम से चुपचाप बैठे हो यहीं पर। और बस अभी लड्डू बनाएंगे, फिर इसके बाद खाना भी बनाना होगा, काम ही काम काम ही काम। फिर रात में 10 बजे छुट्टी मिलेगी, ऊपर जाऊँगी तब रिलैक्स होंगी। और आदत नहीं छूट जाती ना यार सर में पल्ला डालने की, मतलब साड़ी में तो बहुत खिसकता है, इतना ज़्यादा खिसकता है ना। आवाज़ मेरी बहुत डबल साउंड कर रही होगी ना क्योंकि पूरा घर खाली है और ऐसे डिज़ाइन से बना ना कि अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत डबल साउंड करता है। तो ठीक है कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। ये देखो सासू माँ की चेयर जिसको आप लोग बहुत याद करते हो, मतलब जो लोग मेरे पुराने वीडियो देखते हैं ना वो, अगर उनको मैं ससुराल आई हूँ और ये चेयर ना दिखे तो वो उदास हो जाते हैं कि आज आपने चेयर क्यों नहीं दिखाई। तो देखो फाइनली आज मैंने दिखा दी। और सच में यार इसका ना बैठने का मज़ा ही अलग है, एक कुर्सी तोड़ कर देखना कितनी मज़ा आएगी बैठने में। अगर टूटी हो तो ठीक है, अगर नहीं टूटी हो तो तोड़ कर देखना, बहुत मज़ा आती है। और अभी की वीडियो क्वालिटी को इग्नोर करिएगा क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं वीडियो बन पाया है। तो ठीक है कोई नहीं, इतना आप लोग मैनेज कर लेना। और ये हलवा बनाने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है यार, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा था ना तो इसलिए और ज़्यादा टाइम लगा है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे मूंग दाल के लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं, तो जिस जिसको खाना है जल्दी जल्दी आ जाओ और खा लो। तो उस दिन मैंने हलवा तक बनाना दिखाया था, लड्डू बांधना नहीं दिखाया था, तो आज मैंने पहले का प्रोसेस नहीं दिखाया, लड्डू दिखा दिया बने हुए। और अभी मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी, तो मैंने इसको बारीक काट लिया है और फ्राई कर लिया है। ये है हमारा मसाला और ये है टमाटर प्यूरी। तो बस अभी मैं प्याज को भून रही हूँ, और देखो आपको दिखाने के चक्कर में मेरी प्याज भी जल जाती। तो प्याज भुनने के बाद जब ये थोड़ा सा पक जाती है तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, और मसाला में ज़्यादा कुछ नहीं है, नमक है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और मिर्ची ऊपर से ही डालूँगी, सब्जी मसाला है। तो हमारे यहाँ रेड चिली पाउडर नहीं यूज होता है, मतलब घर में है ही नहीं, तो ग्रीन चिली पाउडर, पाउडर क्या मतलब, या तो पीस कर आप डाल दो या तो काट कर डाल दो, यही डाला जाता है। और अभी मैंने टमाटर प्यूरी भी डाल दिया, तो अच्छे से मैं इन सबको पका लूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मशरूम डाल दिया है मैंने, और मशरूम डालने के बाद पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमें इसको 30 से 40 मिनट तक पका लेना है, और हमारे मशरूम की सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। तो ऐसे ट्राई करना ज़रूर। मैं मशरूम की सब्जी छौंक आई हूँ, रेडी हो रही है सब्जी, अभी मतलब पकेगी। थोड़ा सा मैं स्लो फ्लेम में उसको धीरे धीरे पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए और मुझे लगे कस के भूख। तो ये देखो मैं लड्डू लेकर के आ गई हूँ, जो मैंने अभी मूंग दाल का लड्डू बनाया है। तो आप लोग एक बार ना ऐसे लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। ये लड्डू खाने के ना मूंग दाल वाले तो सारी मिठाई भूल जाएंगे, मुझे पता है, बताइएगा फिर मुझे कमेंट में। तो अभी मैं इसको खा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी। और ये पता है बैक कैमरा से शूट करो ना कुछ तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है। अभी जैसे देखो इसका कलर बिल्कुल दाल की तरीके का है क्योंकि मैंने इसमें कोई कलर नहीं मिलाया है। वैसे आप चाहो तो जो फूड कलर आता है ना उसको मिला सकते हो, तो थोड़ा सा रेडिश रेडिश हो जाएगा, लेकिन ऐसे नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो मूंग दाल का लड्डू, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे पता है, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आएगा क्योंकि है ही इतनी टेस्टी चीज। और तो मैं इसको खा लेती हूँ और फिर अभी मुझे
चावल हमारा बन गया है, आटा गूंथ गया है, बस रोटी बनाना है। सब्जी पक जाएगी तो रोटी बनाना है, तो रोटी सब लोग जब खाते हैं ना तभी गरम गरम बनाई जाती है, तो उसमें अभी टाइम है, अभी पापा भी नहीं आए क्लीनिंग से। अभी 10 बज रहे हैं रात के और मैं खाना खा करके ऊपर आ गई हूँ। और पता है दिन भर सर में जूड़ा बनाए रहना होता है ना, तो बहुत ना भारी भारी सा सर लगने लगता है। जब मैं ऊपर आती हूँ रात में और अपने बाल खोलती हूँ ना, तो मुझे सर बहुत अपना हल्का हल्का लगता है। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ना ऐसा हो जाता है कि मैं दिन भर बांधे रहती हूँ ना, तो क्योंकि ना मैं बाहर रहती हूँ तो बहुत टाइम तक मैं ओपन किए रहती हूँ, या तो फिर मैं कुछ ऐसे पोनी स्टाइल में बना लेती हूँ। और यहाँ रहती हूँ ना तो मैं सिर्फ जूड़ा ही बनाती हूँ। जूड़ा मीन्स मतलब या तो गोल वाला जूड़ा बना लिया, या तो फिर ऐसे ही राउंड राउंड करके घुमा करके क्लेचर फंसा लिया, तो दोनों तरीके से ना टाइट हो जाते हैं बाल, तो सर ना भारी भारी सा लगने लगता है। लेकिन जब खोलती हूँ मैं ऊपर आती हूँ ना, तो बहुत हल्का हल्का सर लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ना मेरा दूध रखा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा गर्म है, तो मैं वीडियो का एंड कर दूंगी, इसके बाद इसको पीऊँगी। वैसे तो आज मैंने मशरूम की सब्जी बनाई थी ना, तो बहुत पेट भर के खा लिया। पहले लड्डू खा लिया था, फिर मशरूम की सब्जी खा लिया, चावल रोटी तीन तीन रोटी खा गई, और इतना सारा चावल खा लिया तो पेट भर गया था। मन नहीं था दूध पीने का, बट चाची ने दे दिया तो फिर इसलिए पी लूँगी। ठीक है, बाल देखो मेरे कैसे एकदम ना लग रहा है जैसे तेल डाला हुआ है, बट मैंने बिल्कुल तेल नहीं डाला है। लेकिन हाँ 3 दिन हो गया मैंने बाल नहीं धुला है, तो इस वजह से ना चिपकू चिपकू से लगने लगे हैं, ये देखो तेल तेल सा। तो अभी कल मैं हेयर वॉश करूँगी, और अगर पसीना आता है ना बहुत ज़्यादा तो बाल जल्दी मतलब ना ऐसे चिपकू चिपकू हो जाते हैं, 2 दिन के अंदर ही चिपकू चिपकू हो जाते हैं। जबकि ठंडियों में ना 3 से 4 दिन 5 दिन आराम से बाल ड्राई रहते हैं ठीक ठाक, लेकिन गर्मियों में नहीं चल पाते। तो चलो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूंगी आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखो बात करते करते ना 4 मिनट से ऊपर हो गया अभी का वीडियो, तो चलो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।